भाई भाई में कुछ हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी हमला करे तो भाई कैसे चुप रहता है? ये नहीं हो सकता है कि पड़ोसी हमला करे और उसे तो विश्वास देखता है। नमस्कार, मैं शिवम हूं, आप डीएसडी न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में सियासत में उलट पुलट देखने को मिली। पिछले दिनों ये हुआ कि जेडीयू में आरएलएसपी का विलय हुआ, जो कि हमने आपको दिखाया। जेडीयू में आरएलएसपी के विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा फिर एक बार आज जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर जेडीयू के कार्यकर्ता समेत अपने जो कार्यकर्ता थे आरएलएसपी पार्टी के, वो सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। उनसे उन्होंने संवाद स्थापित किया। संवाद में बातें ये कही गई, खासकर उनके द्वारा, कि अब हम एक हैं और हम जेडीयू के हैं, हम किसी भी पार्टी के को अलग रूप से नहीं देखते हैं। यानी कि आरएलएसपी की बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम जेडीयू के स्तंभ हैं। और उसमें एक बात का जिक्र किया उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब हम दो भाई में लड़ाई हो तो वो ठीक है, लेकिन जब दो भाइयों के लड़ाई का फ़ायदा कोई तीसरा पड़ोसी उठाने लगे तो ये अच्छी बात नहीं लगी और इसीलिए मैं जेडीयू में लौट कर आया। यहाँ पर क्या संकेत था, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दो भाई यानी बड़े भाई, वो नीतीश कुमार को बोल रहे हैं और पड़ोसी बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को। उनका ये बयान था, वो बोल रहे थे और संवाद कर रहे थे जितने भी कार्यकर्ता थे उनके साथ, एकजुट करने की कोशिश है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, आप तस्वीरों में स्पष्ट है कि जिस तरह से सबके बीच में बैठकर उपेंद्र कुशवाहा बातें कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं। ऐसे में आने वाला जो भविष्य है वो जेडीयू का कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है। आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आपको हम छोड़े जाते हैं इन विजुअल्स के साथ। आज जो राजनीतिक परिस्थिति है, लंबा बाकी लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग आवश्यक रूप से काम पाल ले रहे हैं, अभी नहीं विधानसभा चुनाव के पहले ही उनके पट में हो गया। में कुछ हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी हमला करे तो भाई कैसे चुप रहता है?